नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। फिरोजाबाद में कांच की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से चारों तरफ आग की चिंगारियां फैल गई। सूचना के बाद आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। फिलहाल लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। रामपुर के बिलासपुर में भाजपा और सपा के बीच पंचायत चुनाव को लेकर हुई मारपीट फायरिंग का मामला सामने आया है। कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के ग्राम रामनगर में भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलख के भाई कुलवंत औलख और सपा की ब्लॉक प्रमुख रविंदर कौर के पति उज्जवल दीदार के बीच पंचायती चुनाव को लेकर मारपिटाई और फायरिंग हुई है। रामनगर गांव से भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलख के छोटे भाई कुलवंत सिंह औलख बीड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष में सपा से ब्लॉक प्रमुख रविंदर कौर। सीतापुर का लहरपुर एक बार फिर से चर्चा में है। लहरपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ है कि भीड़ में कुछ लोग घूम रहे हैं। सड़कों पर प्रत्याशी की जीत के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं और धारा 144 सहित कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हाँ, ये यूपी चुनाव प्रचार का है। लगातार यूपी सरकार और लोकल प्रशासन इस बात को लेकर आगाह कर रहा है कि कोई लापरवाही ना हो, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही। प्रचार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मथुरा से श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जहां दिनांक 19 फरवरी 2021 को एक वाद माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में दाखिल किया गया था, जिसको माननीय न्यायालय ने 19 फरवरी 2021 को ही सुनवाई करते हुए वाद दर्ज करने का और प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, जिसके उपरांत इस मुकदमे को सिविल वाद संख्या 151/2021 भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य के तौर पर दर्ज कराया गया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। किसी ने बताया कि भैंस ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से महिला की मौत हुई है, तो किसी ने गिरने की बात कही। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। डेरापुर थाना क्षेत्र के जरौली गाँव का ये पूरा मामला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में NH91 स्थित बोनेर गांव के समीप तेज गति से दौड़ रही रोडवेज बस ओवरटेक करते समय आगे चल रहे डंपर में जा घुसी। देर रात दोनों ही वाहनों में सवार सवारियों की चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। करीब 2 दर्जन सवारियां घायल बताई जा रही हैं, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी को जिला मलखान सिंह भेजा है, जहां से गंभीर सवारियों को डॉक्टर ने जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। बदायूं में कासगंज से प्रधान पद के दावेदार का शव मंगलवार रात बदायूं और कासगंज की सीमा पर मिला। उसका शव सड़क किनारे पड़ा था, जिसे राहगीरों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। उसके सीने पर किसी धारदार हथियार का घाव मिला है। पुलिस के अनुसार उसकी हत्या चाकू या अन्य किसी धारदार हथियार मारकर की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में सांसद संगमलाल गुप्ता के करीबी उमेश मिश्रा का पत्नी पर बच्चों पर कह टूटता हुआ नजर आया है। 2 मासूम बच्चों को पहले जमकर पीटा, इसके बाद सास तेवर देवरानी के साथ मिलकर विवाहिता को लात घूसों से पीटा महिला को, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बहन की शादी में जाने के लिए कपड़े और पैसे मांगे थे, जिससे नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी गई। देर शाम परिजनों के साथ नगर कोतवाली पहुंचकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। नगर पुलिस ने फिलहाल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बारबालाओं का सहारा लिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बसपा समर्थित प्रत्याशी शंकर सिंह की चुनावी सभा में बारबालाओं का डांस कराया जा रहा है। कोविड नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला पंचायत के वार्ड 7 से बसपा समर्थित कुकड़ा निवासी शंकर सिंह की चुनावी सभा में भीड़ उमड़ी है। बारबालाओं के लटके झटके देखने के लिए भीड़ वहां पर इकट्ठा रही। संभल के कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित होगा। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव, आग के खतरों को कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। बुधवार को जिलाधिकारी संजीव रंजन और SP चक्रेश मिश्रा ने अग्निशमन की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फरुखाबाद में पुलिस की मिलीभगत से JCB से अवैध खनन किया जा रहा है। JCB से अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार पैसों के लेन देन कर खनन माफियों से अवैध खनन करवा रहे हैं। अवैध खनन से पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। अवैध खनन से कई छोटे मोटे पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार खनन माफियों से मिली भगत से पर्यावरण को पलीता लगा रहे हैं। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के नाम करौरी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।